तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो किस टाइप की केमिकल एनर्जी लेते हैं, ये सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके उसको किस में चेंज कर देते हैं, उसको एनर्जी में चेंज करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। और साथ में एनर्जी निकलती है, कौन सी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं ये फ्यूल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है फ्यूल सेल। और इसका जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है वो होती है 70%। बहुत बार पूछते हैं कि जो फ्यूल सेल है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आप लोगों को याद रखना है इसकी एफिशिएंसी होती है 70% फ्यूल सेल की। तो कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट होगा इसके अंदर और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दो इलेक्ट्रोड आपको पता है बेटा सभी सेल के अंदर होते हैं, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इसका रोल है, मेन रोल है इसका, मेन काम है। अब इसके अंदर ऑर्डिनरी कंपोनेंट कंबस्टन प्रोसेस कौन सा होता है, तो ऑर्डिनरी कंबस्टन प्रोसेस ऑफ फ्यूल सेल। तो देखो इसमें फ्यूल आएगा, फ्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फ्यूल में होगा इसमें हाइड्रोजन। ठीक है, हम हाइड्रोजन सेल पढ़ेंगे, फ्यूल सेल में पढ़ेंगे हाइड्रोजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कंबस्टन का प्रोसेस होगा, साथ में हीट एनर्जी निकलेगी। ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये इसका एक सिंपल सा मेथड है काम करने का, द प्रोसेस ऑफ फ्यूल सेल। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले फ्यूल, फिर ऑक्सीजन, देन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होंगे, और क्या निकलेगी, हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। नेक्स्ट इसका है बेटा द कन्वेंशनल प्रोसेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वेंशनल मेथड कौन सा है जो हम आज तक यूज करते आ रहे हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो केमिकल एनर्जी होती है, हमारे पास में केमिकल्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो हीट जनरेट होती है। इस हीट को हम क्या करते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये मैकेनिकल एनर्जी भी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये कन्वेंशनल मेथड है। लेकिन फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, फ्यूल सेल इट डायरेक्टली कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन बेटा, फ्यूल सेल की हम बात कर रहे हैं। इसलिए फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है, अबाउट 70% इसकी एफिशिएंसी होती है। हाँ, द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन फ्यूल सेल अप्रोचेस 70%। देखो ध्यान से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एंड इट्स ओनली 15 to 20% इन गैसोलीन पावर्ड इंजन। देखो गैसोलीन पावर इंजन जो होंगे वो सिर्फ 15 से 20% एनर्जी ही ऑब्टेन कर पाते हैं उन सेल से। एंड 30 to 35% इन डीजल इंजन। डीजल इंजन से जो एनर्जी हमें मिलती है, डीजल इंजन से, वो सिर्फ 30 से 35% ही मिलती है, जबकि फ्यूल सेल से जो हमें एनर्जी ऑप्टेन होती है वो लगभग 70% के आसपास होती है। बहुत ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है, इसलिए आजकल इसका हम यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका फ्यूल सेल का, फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रो लाइट एंड कैटलिस्ट टू फैसिलिट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसमें चलती है। केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, मोटर बनाएंगे, साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट करेंगे। तो फ्यूल होगा इसमें ये जो फ्यूल सेल है, फ्यूल क्या होंगे, फिर इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होगा, फिर इलेक्ट्रोड और ये ऑक्सीडेंट, इस टाइप से इनका सेटअप किया होता है। फ्यूल सेल के अंदर जो बेसिक अरेंजमेंट है ना सब्सटेंसेस का, वो इस टाइप से होता है। सबसे पहले फ्यूल आता है लेफ्ट साइड से, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं प्लेटिनम के, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। उसके बाद में इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है राइट हैंड साइड में भी, और ऑक्सीडेंट मतलब जो उससे प्रोडक्ट बाहर निकलता है, मतलब वाटर बाहर निकलता है। अब फ्यूल सेल में क्या क्या चीजें होती है, फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ एनोड। एनोड होता है इसमें ए लेयर ऑफ एनोडिक कैटलिस्ट, देन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं इसमें, ए लेयर ऑफ कैथोडिक कैटलिस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके बाद में ए लेयर ऑफ कैथोडिक कैटलिस्ट होगा, उसके बाद में क्या होगा, कैथोड होगा। ये चार चीजें इसमें होती है, एनोड होगा, देन लेयर ऑफ एनोडिक कैटलिस्ट होगी, इलेक्ट्रोलाइट होगा, और कैथोडिक कैटलिस्ट होगा, और कैथोड होगा। फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड में क्या क्या होगा, देखो
मेटेरियल विच हैव हायर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, इसकी कनेक्टिविटी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, एंड जीरो प्रोटॉन कंडक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ पोरस कैटलिस्ट ऑफ कार्बन। तो ये एनोड और कैथोड का काम करेंगे, कार्बन होते हैं प्लेटिनम के ऊपर लगा हुआ, ये कैटलिस्ट होगा प्लेटिनम, कार्बन की जो रोड होगी, कार्बन की रोड के ऊपर प्लेटिनम की लेयर लगी होती है, प्लेटिनम की लेयर होती है किसके ऊपर लगी हुई, कार्बन रोड पे, कार्बन रोड पे, कार्बन रोड क्या होती है, इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम लेते हैं हाई प्रोटॉन कंडक्टिविटी एंड जीरो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, फ्यूल सेल सिस्टम। तो किस टाइप से ये काम करता है, देखो ध्यान से, द फ्यूल, फ्यूल में हम लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेल पढ़ रहे हैं, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा, वाटर बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, वाटर बनाता है, ये तो हो गया बाई प्रोडक्ट, ये हो गया ऑक्सीडेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये प्रोडक्ट बनता है, साथ में हमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट टू द कैथोड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सटर्नल सर्किट से किसकी तरफ जाते हैं बेटा, कैथोड की तरफ जाते हैं, और कैथोड पे जो ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और क्या बना देते हैं, वाटर बनाते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाइल पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट,